family, that's my brother Sheryar over there, that's my mom and dad, the person who is making video, that's my the best buddy. हम लोग आज स्कर्दू के लिए निकलने लगे हैं. हम ये तीन भाई हैं और साथ ये चौथे भाई अली भाई हैं. ये भी अली भाई हैं और ये शेरी भाई हैं. तो ये फिर आपको मिलते हैं जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वीडियो. हम टेक्सला के पास पहुंचे हैं. ये तकरीबन 9 बज रहे हैं और काफ़ी थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं. साथ ये भाई ने ड्राइव किया, सारी अली भाई ने, साथ ये दूसरा अली भाई. कुछ कहोगे कैसा लग रहा है? कैसा सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट्स 7 o'clock राइट नाउ. हाँ तो ये 7 बज रहे हैं. मेरे पास असल में घर ही नहीं थे तो इस वजह से मैंने देखा है. ठीक है, तो बकाया हम आपको रस्ते में बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग पहुँचे हैं. ठीक हो गए, तो ये हमारे बिल्कुल पीछे है. हम लोग निकलने लगे हैं. चलो शेरी भाई ड्राइव करो फिर. तो चले भाई, अभी काफी सफर पड़ा है. अभी तो ये पार्ट शुरू हुए हैं, ये ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं. सोना नहीं तुझे लोग का छटिया ना करो. स्लोली स्लोली चाचा पर लॉरी. तो दोस्तों हम लोग तकरीबन एबटाबाद पहुंचने वाले हैं. 8:30 बज गए हैं. दो साथी हमारे सोए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. ये जागेंगे तो फिर मैं सो जाऊंगा. बगैर काफ़ी अच्छा मौसम होगा बाहर, हमें नहीं पता क्या. तो बाकी यही है कि हम जाएंगे ऐसे ही नॉन स्टॉप इंशाल्लाह, और आज रात तक हम पहुंच जाएंगे. ये हम लोग अभी रुके हुए हैं बेशाम. ये अभी तो काफ़ी सफ़र पड़ा हुआ गिलगित का. ठीक है जी, तो अभी हम लोग यहाँ से अपना खाने पीने का सामान ले रहे हैं, मतलब जैसे कि टमाटर वगैरह, क्योंकि हम कुकिंग खुद करते हैं. तो हमने कहा ये बाज़ार है तो यहाँ से ले लेते हैं. बेशाम है तकरीबन, काफ़ी पड़ा हुआ रास्ता अभी 300-400 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का तो है स्कर्दू का. तो रात तक तो नहीं सफ़र होगा, तो अभी हम कहीं पर स्टे कर लेंगे. फिर कल सुबह गिलगित पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद गिलगित से स्कर्दू. तो अभी हमारा मेन जगह है कि हम गिलगित जाएं. नहीं
मेरे दोस्त अली भाई। जी सर। अजान गाइस कैसा मौसम है यहाँ? डू सब्सक्राइब अवर चैनल लॉरी बैकपैकर पेट्रोल एंड मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत मजा आ रहा है। मतलब आप जैसे देख सकते हैं मेरे बाल भी खड़े नहीं हो रहे एक जगह। ये हमारा पहला स्टॉप है कमालिया और हमने अभी यहाँ पे कमरा लिया है तो कुकिंग हमने शुरू कर दी है। क्या बना रहे हो जी भाई? हाँ क्या बना रहे हो? आपके पास है? नहीं जी ये हमारा पहला स्टॉप है कमालिया और हमने अभी यहाँ पे कमरा लिया है तो कुकिंग हमने शुरू कर दी है। चिकन कढ़ाई बना रहा है। अच्छा देखो प्याज तेल लहसुन वो कर तो ये अब हम लोगों ने कुकिंग शुरू कर दी है। ये सिलेंडर है तो वगैरह चिकन वगैरह था थोड़ा रखा है ओके था ना गरम मसाला ही है ये तो ये जी हम लोगों ने अभी कढ़ाई बनाई है अली भाई ने। माशाल्लाह हमारे अली भाई ने बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई है। बहुत बहुत टेस्टी लेकिन मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी थोड़ा अभी आपने खाई नहीं तो आप पहले कैसे पता लग रहा है। ये रोटियाँ हमने यहीं से ली हैं। तो गाइस हम लोग सुबह उठ चुके हुए हैं। तकरीबन क्या टाइम हो चुका हुआ है? 5 बज गए हैं, 5:30। तो हम लोग ये कमालिया से लीव करें, बिशाम से थोड़ा सा आगे हैं तो अब हम स्कर्दू जाके अपना स्टॉप करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। फ्रेश हो गाइस? यस यस ठीक हो गया। यस बकाया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाहौरी बैकपैकर। वी विल सी यू देयर इंशाल्लाह। वैसे ये इलाका भी काफी अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या बताएं आप इनको? मौसम काफी अच्छा ठंडा है। ये देख सकते हैं आप पूरे बादल आए हुए पहाड़ों के ऊपर, ठंडा हुआ हुआ है, बारिश हुई हुई है, सारा कुछ देख रहे हैं जैसा कि आप। हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं तकरीबन आधा घंटा है। काफ़ी अच्छा वेदर है, रास्ता काफ़ी थोड़ा टूटा हुआ है, सिल्क रोड काफ़ी टूटी हुई है। अगर आप लोग ट्रैवल करें स्कर्दू के लिए तो आप, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बाबूसर से जाएं, वो अब बंद है अभी तो बर्फबारी की वजह से। तो हमने ये रोड लिया सिल्क रोड है। उसी टाइम निकले जब बाबूसर टॉप क्लियर हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन लेके निकलें घर से ना टूरिज्म वालों से। हम लोगों ने तो लीव ली थी तो इस वजह से हमें इतना इशू नहीं हुआ। तो बाकी ये है कि अभी काफ़ी सफ़र मज़े का है वैसे, तो दिखाते रहेंगे आपको जैसे स्कर्दू पहुँचते हैं। देख रहे हैं अरे आगे भी इसी तरह है, अरे कीचड़ हुआ, बारिश हुई है। इस जगह जो कि आप देख रहे थे भी आपको बताया था कि रास्ता जहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे स्टक हुए हैं जैसे कि कल हुए थे। ये
कुछ लोग हम लोग कुछ एटिकेट्स नहीं है, हम लोगों में कुछ थोड़ा सा तमीज़ नहीं है, जहालत नहीं है। अली भाई ये ट्रैफिक इन्होंने फंसाई हुई, आज तो लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई, ये सिर्फ इन्होंने ये सिंगल रोड पे डबल डबल गाड़ियाँ लेके आए हुए, ये दो मिनट की जल्दी की वजह से ये देखें सारे फंस, ये बहुत लंबी लाइन है, कुछ 4-5 किलोमीटर की लंबी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख लें, सिर्फ एक दो की गलती की वजह से ना पूरी कौम जिल्लत खाती है। 4-5 किलोमीटर की लंबी लाइन, लंबी लाइन लगी सफर करके आते हैं सारा दिन इधर ही निकल। हाँ, ये लोगों को थोड़ा सा एडिकेट करने चाहिए, थोड़ा सीखने चाहिए कि यार इस चीज़ को ज़रा, सफ़र का फल मीठा होता है, और वैसे भी इंसान अगर थोड़ा सा सफ़र कर ले तो कुछ इसमें हल नहीं हो जाता, कुछ तमीज़ होती है, वैसे ही एडिकेट होते हैं यार। जब भी मैं तो आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगा, जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में आए लाइन का बड़ा ख्याल करें, कभी डबल लाइन ना बनाएं, कभी यहाँ पे सिंगल रोड होती है तो आपकी जल्दी की वजह से दूसरों को भी मुश्किल हो जाती है। कभी सिटीज़ वाली हरकतें ना करें, क्योंकि सिटीज़ नहीं है, छोटी छोटी रोडें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नहीं कि इधर नहीं तो दूसरी गली में घुसा ली, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हम लोग ये तकरीबन चलास में फंसे हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके काफ़ी ट्रैफिक स्टक हुई है, तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए हैं। तो ये हम कुछ लोगों की, कुछ दोस्तों की थोड़ी सी गलतियों की वजह से ना, थोड़ी सी बेसब्री की वजह से, जिसकी वजह से ये लोग स्टक हुए हुए हैं। कल तो लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी, कल तो चले कोई एक आप कह सकते हैं नेचुरल कॉल थी, एक कुदरती आफत थी। तो बकाया यही है कि यहाँ पे कोई लोगों को सेंस नहीं है, दे डोंट हैव एनी सेंस के किस तरह जाना है, किस तरह चलानी है, बस इन्होंने अपने इसे भी शहर समझा हुआ है। अली भाई, अली भाई सारे वापस निकले, माशाल्लाह क्लियर हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का। गाइस काफ़ी स्टक हुए हैं यहाँ पे हम लोग तकरीबन 2 से 3 घंटे से, तो बड़ी मुश्किल से गए हैं, तो अब हम लोग तंग आके ना गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कितना सफर है पड़ा हुआ, तो अभी हम लोग यहाँ ठीक किया, कार्ड खेलने लगे साथ ही हम सब साथ ही। तो देखेंगे
पता कोई खाने लोगों को।